बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मौजूद दोस्तों, गार्डनिंग में दिलचस्पी रखने वालों, आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं अर्शद जी। इससे पहले काफ़ी दफ़ा आपसे मुलाकात हो चुकी है और काफ़ी चीज़ें जो मैंने लगा चुका हूँ वो मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। अब चूँकि मौसम गर्मियों की सब्जियों का है, ज़ाहिर है गर्मियों की सब्जियों में ठीक है करेला है, टिंडा है, भिंडी तोरी है, ये और काफ़ी मतलब सब्जियाँ हैं इसकी गर्मियों की, वो लगाई हुई मैंने कुछ अभी कुछ मैंने लगानी है। करेला लगाना है आज, लेकिन वो पहले मैं कई दफ़ा आपसे एक चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ कि जब आप उसके परेरी उगाते हैं करेले का बीज डायरेक्ट भी लगता है, डायरेक्ट भी सीडिंग करेंगे तो वो उगता है, लेकिन उसमें सारे मतलब बीज 100% बीज नहीं उगते ठीक है जी। उसके लिए उसका अल्टरनेटिव ये होता है कि पनीरी उगाई जाती है, अगर थोड़े रकबे पे लगाना है तो पनीरी उगाई जाती है, तो फिर पनीरी जो है अगर तो आप अपना डायरेक्ट सीडिंग की है आपने उसकी बैकअप के लिए पनीरी लगा लें, अगर आपने डायरेक्ट पनीरी उगानी है और पनीरी को शिफ्ट करना है अपने खेत के अंदर, वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है। डायरेक्ट बीज किया जाता है। आजकल के टनल फार्मिंग में जो सब्जियां लगाई जाती हैं उनकी ग्रो बड़ी अच्छी होती है, अच्छी उनकी उसकी पैदावार भी अच्छी निकलती है, और जो डायरेक्ट सीडिंग की जाती है टनल के बगैर ठीक है बगैर विदाउट टनल, वो छोटे रकबे पे थोड़े रकबे पे की जाती हैं, क्योंकि उसका वो वाला रिजल्ट नहीं आता जो टनल के अंदर आता है। तो आज टिंडा लगाना है मैंने, बल्कि लगा दिया, वो जगह पर भी दिखाता हूँ जो मैंने उस क्यारी के अंदर खेले बनाई हैं, उनको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल दिया है मैंने ताकि पानी का बहाव थोड़ा डिफरेंट एंगल से जाए ठीक है जी, और उसको उसकी शेप अच्छी लगे उस क्यारी की शेप अच्छी लगे, वो जो क्या जो खेले मैंने बनाई हैं वो भी अच्छी लगें। तो करेला का ट्रेडी तैयार है मेरे पास, वो मैं थोड़ी देर में शिफ्ट करूँगा, जब मैं शिफ्ट करूँगा वो भी दिखाऊँगा। इससे पहले मैंने डायरेक्ट सीडिंग की है, टिंडे के देसी टिंडे लगाया है और खीरा लगाया है। खीरा और टिंडा मैं लगा चुका हूँ खेलों की साइडों पे और उसको मैंने पानी दे दिया है। अभी कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो करेला की पनीरी शिफ्ट करने से पहले एक दफ़ा वो थोड़ा सा सीन मुझे दिखा दिया जाए व्यूअर्स को, कि जो खेले मैंने बनाई हैं और उसके अंदर पानी लगा दिया गया है, जो सीडिंग मैंने डायरेक्ट कर दिया टिंडा और खीरे की उसके लिए पानी लगा दी है। आप चूँकि खेल थोड़ा सा जब उस पानी लगता है थोड़ा सा पानी में थोड़ा सा उसमें कमी आएगी, उसका थोड़ा पत्थर कम होगा फिर उसके अंदर बैठ के करेले के पनीरी शिफ्ट करेंगे और वो शिफ्टिंग भी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। करेले की सीजन फसल जो है ना ये बड़ी नायाब सी, कम लोग इसको लगाते हैं और लगाने भी चाहिए गार्डनिंग के अंदर, बस पौधों को गमलों के अंदर भी उगाना चाहिए। टमाटर हो गया, करेला हो गया, भिंडी हो गई, ये बड़े बड़े गमले लोगों ने छतों पर रखे होते हैं, उसके अंदर मिट्टी डाल के सारे का सारा ये घर का निज़ाम चलाया जाता है उससे, और ये चीज़ें देखने के बाद थोड़ी दिलचस्पी बढ़ती है। अभी आपको वो खेलें दिखाता हूँ, वो पानी का थोड़ा सा जो बहाव है, जो पानी का जो लेवल है और जो उसका एंगल बना हुआ है वो दिखाते हैं। उसके बाद जब शिफ्ट करेंगे करेले के पनीरी को तो फिर हम आपसे मिलते हैं, आइए वहाँ चलते हैं देखो। क्यारी की शेप को ख़राब करें तो इसलिए ये जगह खाली छोड़िए ताकि अंदर जाके दो स्टेप अंदर जाके करेले की पनीरी इनर साइड पे लगानी है भाई। उधर इस खेल के आउटर साइड पे ये बाहर का यू जो है इसके और बाहर वाले साइड पे मैंने टिंडा लगा दिया, और ये जो अंदर वाला यू छोटा सा नज़र आ रहा है इसके अंदर खीरा लगा दिया ठीक है जी।
अब इसके अंदर लेवल साइड जो रहती है ये सारी बेल वाली सब्जी है, ठीक है जी। खीरा भी बेल वाला है और करेला भी बेल वाला है, बेल वाला है। और ये वाला जो है टिंडा, ये भी बेल पे बेल पे टिंडे को बारिश से लगाया कि इसकी बेल जो है ना वो बाहर को फैला दूंगा, उसके लिए जगह बाहर साइडों पर जगह है मेरे पास। करेले को चूंकि ऊपर उठाना है बांस लगा के, उसी बांस के साथ ये अंदर खीरा लगा दें ताकि खीरे को भी उसी बांस के ऊपर उसी नेट के ऊपर चढ़ा के इसको ऊपर हाइट दी जाती है। वो हाइट देने का मकसद सिर्फ यही होता है कि ये इसकी जो जो बीमारियाँ असर करती हैं, मक्खी कोई मुख्य बूंदी वगैरह होती है जो जो करेले की फसल को ख़राब करती हैं, उसको स्प्रे के लिए अच्छा होता है। करेला उठा हुआ ज़मीन के अंदर, ज़मीन के नीचे होगा, ज़मीन के ऊपर पड़ा होगा तो नीचे से ज़मीन के कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, मक्खियाँ पैदा होती हैं, मुख्य बीमारियाँ इसको लगती हैं। ऊपर हवा में नेट के ऊपर चढ़ाया जाता है इसको, उसका मकसद ये होता है नेट पर चढ़ाने का कि चलो इसका फ्रूट भी नज़र आए आपको, कहीं किसी बीमारी का हमला इसको हो रहा है उसको भी प्रॉपर तरीके से स्प्रे किया जाए। और ये इसके ऊपर उठाने का, ज़मीन पे भी पड़ा होता है करेला, लेकिन ज़मीन पड़े रहने वाले करेले को काफ़ी बीमारी लग जाती है। इसी तरह ये जो खीरा मैंने इनर साइड पे लगाया है इसको भी ऊपर उठा दिया जाता है किसी नेट पे, किसी जाल के ऊपर, ताकि खीरे को नेट पर चढ़ा दिया जाता है। तो ये अब तक ये प्रोसेस अमल मुकम्मल कर चुका हूँ मैं। अभी ये छोटी क्यारी जो रह गई अंदर से, जो यू जो छोटा यू है, बड़ा यू तो दिखा दिया डिटेल में, तफसीलात भी बता दी आपको, करेले की भी बता दी। अब खीरे के मन ही लगाना है इसको मैंने, जब हम इसको शिफ्ट कर लेंगे करेले को इनर साइड पे, यू के अंदर वाली साइड पे, तो ये स्पेस इसी खाली छोड़िए ताकि हम अंदर तक जा सकें वहाँ पे। और इस प्रोसेस को मुकम्मल करने के बाद जब करेला शिफ्ट करोगे इंशाल्लाह वो ट्रे से, तो शिफ्टिंग का टाइम भी बताएंगे आपको कि वहाँ से निकाल के वहाँ पे हम लगा रहे हैं, और उसके जो प्रीरी होगा भी है कितनी सेहतमंद है, ठीक है जी। इंशाल्लाह जब इसको शिफ्ट करते हैं फिर मिलते हैं आपको। ये करेले के दो ट्रे पड़ी हैं आपके सामने, प्रीरी मैंने जो उगाई हुई है, ठीक है, देख रहे हैं कितनी सेहतमंद प्रीरी है। हाँ, ड्रैक्ट सीडिंग भी इसकी हो सकती है, लेकिन ये 100% इसकी ग्रो नहीं होती, उसकी बैकअप के लिए बड़े ज़िम्मेदार भी ऐसे करते हैं कि ये जो ट्रे है सीडिंग ट्रे होती है इसके अंदर लगा दी जाती हैं, ताकि वहाँ जहाँ पे खेत के अंदर कोई पौधा अगर किसी जगह पे नहीं उगता तो ये जो ट्रे के अंदर से इसकी गाची निकाल के वहाँ लगा दिया जाता है, ताकि कोई जगह खाली ना रहे खेत के अंदर। तो ये है करेले की पनीरी, इंशाल्लाह जब वहाँ पर शिफ्ट करेंगे फिर भी आपको दिखाएंगे। जैसे पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि ये इस दफ़ा मैं गर्मियों की सब्जियाँ लगा रहा हूँ। ये क्यारी जो पहले आपको दिखाई जा चुकी है, इसका व्यू दिया था आपको कि इसकी शेप मैंने कौन सी दे दी है। इसमें मैंने बताया था कि मैं ऐसी बड़े यू जो बनता है उसके आउटर साइड पे मैंने टिंडा लगाया है, इनर साइड पे मैं इसके करेला लगा रहा हूँ। अब ये जो मैंने पौधे लगाए हैं वो भी दिखाता हूँ, जो मैं मेरे हाथ में एक पौधा है, देखो कितना सेहतमंद पौधा है ये, ठीक है जी। और ये इंशाल्लाह मैं मैंने वहाँ पे शिफ्ट करना है इसको, तो वहाँ शिफ्ट करने से तो मैं दिखाऊंगा कि ये लगे हुए भी देखेंगे और इसको शिफ्टिंग के लिए देखेंगे और इसकी सेहतमंद देखें कितना, ये जो पौधा इसमें ट्रे में उगाया गया है कितना सेहतमंद है। पहले मैं बता चुका हूँ कि ये वाले डायरेक्ट सीडिंग भी होती है, ये देखें ये वो पौधा है करेले का, ये सारे करेले की लगा दी गई है। ये बिस्मिल्लाह ये रख दिया मैंने इसके अंदर, साइडों से उसको हल्की हल्की मिट्टी दे दी, इसको वही एटमॉस्फेयर मिलेगा जो उसको ट्रे के अंदर था, लेकिन यहाँ चूँकि नेचुरल ग्राउंड के अंदर आया है तो यहाँ पे इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और इसको वसी किस्म की खुराक मिलेगी और इसको वसी पानी मिलेगा, खुला माहौल मिलेगा बढ़ने फूलने के लिए, ठीक है जी। दो पौधे मैंने और लगाने हैं, ये आप दिखाएं इनको, ये पौधे लगे जा चुके हैं, यहाँ से निकालते हुए बेशक दिखा दें आप, ये ट्रे है जिसके अंदर ये पौधे लगे हुए थे, इसको यहाँ से निकालने के लिए थोड़ी सी टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती है कि इसकी जड़ ख़राब ना हो। ये जो ट्रे है ना जिसमें जो मिट्टी भरी जाती है वो उसमें एक हिस्सा रेत होती है, एक हिस्सा गोबर और एक हिस्सा रेत गोबर और मिट्टी, तीन है,
मिक्सर बना के इसको डाला जाता है इसके अंदर। और फिर दूसरा यह है कि जब इसमें मिट्टी भर लेते हैं, जब इसको लगाते हैं, तो इसको किसी हार्ड ग्राउंड के ऊपर रखा जाता है, लूज मिट्टी के ऊपर ही रखा जाता है, इसलिए कि इसकी जड़ जो है नीचे से इसके सुराख होता है, जो पानी ड्रेन करता है एक्स्ट्रा पानी को, उसमें से जिसकी जड़ नीचे ग्राउंड में चली जाती है तो इसको निकालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसको किसी हार्ड ग्राउंड पर रखते हैं ताकि इसकी जड़ नीचे मिट्टी में ना जा सके। ये देखें, ये चूँकि मिट्टी रेतली होती है, थोड़ी बुरबरी सी हो जाती है, इसको निकालने के लिए थोड़ा सा आराम से इसको निकालना पड़ता है। ये देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। अब इसको लगाऊंगा वहां पे मैं, सारे क्यारी बनी हुई है, बड़ी मेहनत से क्यारी को तैयार किया गया है। ज़मीन की तैयारी जो है वो बड़ा मैटर करती है सब्जियों के लिए, ठीक है, किसी भी फसल के लिए ज़मीन की तैयारी बड़ी ज़रूरी है। और मजे की बात ये है कि मैं इसके नीचे मैंने DAP खाद भी डाली है, ठीक है, जो ज़मीन की तैयारी में मुआवन साबित होती है उसकी। ये पौधा दिखाई भी लगते हो, देखिए इसका कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है इस पौधे की। हल्का हल्का जमीन तो पुश कर दिया जाता है, टीला है और खीरा, ठीक है जी। ये इंशाल्लाह जब खीरा और टीला उगेगा ना जी, फिर इंशाल्लाह आपको वो दिखाएंगे क्या कैसा सीन बनता है यहाँ पर। ये आखिरी पौधा इस ट्रे के अंदर जो मौजूद था, और ये अल्लाह का नाम लेके मैं इसको ज़मीन के हवाले कर रहा हूँ ताकि ये अपनी फल की तरफ बढ़ सके। ये थी जी आज की प्रोग्रेस, जिसमें टिंडा है, करेला है और खीरा है। अभी खीरे का जो पानी लगाने वाला हिस्सा पड़ा हुआ है, वो इंशाल्लाह इसको पानी लगा देते हैं ताकि ये अपनी प्रोग्रेस और अपनी बढ़ोतरी की तरफ और अपनी उगाहट की तरफ बढ़े। इसके साथ अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में।